एक काम करो राकेश टिकैत जी, आपको अगर इतना ही शौक है तो एक दिन एक बार चुनाव लड़ने आई है, बक्कल तो तुम्हारा जनता उतार देगी और किसान उतार देंगे। किसान तो अपनी सूखी रोटी खा के खुश है। आप किसान की वजह से ही जी रहे हो। जिस दिन किसान के गांव में आ गए उस दिन त्यारा बक्कर उतार देगा किसान। पहले बोले तीन कृषि कानून, बाब मोदी ने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। इनके महल तो महल बन रहे, चार चार राज्यों में इनकी जमीन है। भैया तुम पे कहां से आया इतना, उसका भी जवाब दे रहे। समय आने पर मस्जिद में टोपी लगा लेते हैं, वैसे अपनी पार्टी की लाल टोपी पहन लेते हैं, तो इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। ये तो देश को बर्बाद करने और पाकिस्तान बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो वो उन्हें भी जीत के सपने देखे थे, तो जीत के सपने देखना बुरी बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे और नजर बदल दो तो नज़ारे बदल जाएंगे। ऐ मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। आज की वजह क्या है शहर में घूमना और प्रदर्शन करना ट्रैक्टरों के साथ में किसानों? ये है जी एक बात, और राकेश टिकैत जो है हमारे किसानों के नेता मसीहा बने डोलते हैं। एक बार उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस क्यों कराए, उसकी कोई वजह बताते या कोई जवाब कोई दिया नहीं, कानून वापस रद्द करा दिए। तो उन्होंने ये क्या किया है एक बार, ये तो हमारे पेट पर छुरी भोंक दी उन्होंने। जिस चीज का इंतजार हमारे पुरखों को हमको इंतजार था 30 साल का 35 साल का, उन्होंने सारे मुद्दे रद्द करा दिए। इसके लिए हमारे बड़े बूढ़े स्वामीनाथन आयोग, चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने प्रयास किया, उनको ही भटका दिया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो हमें जवाब दें। और ये बीजेपी विरोधी कहते हैं कि बक्कल उतार दूंगा बीजेपी के लिए, बक्कल उतार दूंगा। एक काम करो राकेश टिकैत जी, आपको अगर इतना ही शौक है तो एक दिन एक बार चुनाव लड़ने आई है, बक्कल तो तुम्हारा जनता उतार देगी और किसान उतार देंगे। तो आपको याद हो जाएगा कि किसान क्या चीज है। आप तो सिर्फ दलाली कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। किसानों के नाम पर दलाली कर सकते हो, आपको पार्टियों से फंडिंग मिल रही है। किसान क्या खाता है, किसान को अपनी सूखी रोटी जैसी मिल गई वैसी खा लेता है। तुम्हारे लिए तुम्हारी मखाई दाल आ रही है और हर चीज तुम्हारी उपलब्ध हो रही है। भैया ऐसा किसान कौन सा है जो कि आपके लिए ये ला रहा है। किसान तो अपनी सूखी रोटी खा के खुश है और तुम्हारे लिए तमाम दुनिया के दूध है, घी है, दही है, कहाँ से आए। भैया ये पार्टी फंडिंग लेना बंद करो नेताजी। आप किसान की वजह से ही जी रहे हो। जिस दिन किसान के गांव में आ गए उस दिन त्यारा बक्कर उतार देगा किसान। एक और बड़ी बात है कि पहले तो तीन कृषि कानून वापस करो उसके नाम पे उपद्रव भी होता है, दंगा भी करने की कोशिश की जाती है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब तीन कृषि कानून वापस होते हैं तो उसके बाद में फिर वो नई मांग लेके आते हैं। अरे सर जी ये कुछ भी लेके नहीं आते, इनका एक ही फंडा है बस राजनीति चमकाओ। ये पार्टी विरोध के लिए इनको फंडिंग मिली हुई है, उस चक्कर में ये मान लो और क्या करेंगे, ये उस चक्कर में ही ये सारा कैंपेन बना रखा है इन लोगों ने। पर इनकी असलियत सामने आ चुकी है। पहले बोले तीन कृषि कानून, बाब मोदी ने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। ये सारी कैंपेन चलाना बंद करें और ये कहते हैं सब बीजेपी पार्टी का बक्कल उतार दूंगा, बक्कल उतार दूंगा। ऐसा ना हो वो नहीं 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 राकेश टिकैत जी कि जनता किसी दिन आपका किसान आपका बक्कल उतार दें। योगी जी मोदी जी को दोबारा जिताएंगे, दोबारा कानून पास कराएंगे अपने बच्चों के अपने भविष्य के लिए, उसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे भैया इसे ये लाओ हमारे लिए। तो राकेश टिकैत कोई नहीं है, एक दलाल हैं, उनके लिए कोई भी जगह नहीं है हमारे किसान के दिल में। मैं भी किसान हूँ कि मैं भी ये कहूँ कि साहब मैं कोई पार्टी नौकरी करता हूँ या कोई कुछ करता हूँ, तो ये चीज है। एक और बात है कि किसानों की मांग के बीच में योगी मोदी को हटाने की मांग कैसे पैदा हो जाती है? ये बताया तो है भैया, इन्हें पार्टी फंडिंग मिलती है, इनको तो सिर्फ अपना घर। एक बात बताओ, मैं भी किसान हूँ, मैं रोज रोजगार कर रहा हूँ, खेत से पैदा कर रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी तो बड़ी नहीं, लगभग मेरी तो प्रॉपर्टी मैंने खाने बच्चों भी मिला, चलो अपना बच गया 1-2 लाख, 4 लाख रुपए बच गया, ठीक है। इनके महल तो महल बन रहे, चार चार राज्यों में इनकी जमीन है। भैया तुम पे कहाँ से आया इतना, उसका भी जवाब दे रही है। हिसाब दे कहाँ से आया तुम पे। अगर तुम किसान हो तो किसान के पास में तो इतना ही हो पाता है। ये कहना किसान बहुत परेशान है, तो भैया तुम कैसे सुखी हो गए, तुम्हारे पास में पैसा कहाँ से आया, उसका हिसाब लाओ। इसका हमें जवाब चाहिए उनसे, राकेश टिकैत जी से। क्या नाम है आपका? मेघ सिंह। असली किसान खेतों में काम कर रहा है या फिर धरना देने में लगा हुआ है? नहीं, खेती में भी लगा हुआ है, समय निकाल के धरने पर भी बैठ जाता है। तो क्या धरने पर दिल्ली आप भी गए थे? नहीं, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? हम नहीं गए, हम इतने बड़े किसान कहाँ हैं उनकी तरह, लुटेरों की तरह पड़े रहे वहाँ। वो तो पूंजीपति आदमी है, किसान क्या है वो तो। हाँ
तो उनपे तो बहुत टाइम है, नौकर रहते हैं उनके घर, हमारे घर कौन नौकर है। क्या वास्तव में किसानों का विश्वास योगी सरकार जीत पाई है? जी बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। मैं फिर से दावा करता हूँ, योगी जी अब के बाद 300 पार निश्चित, कानून को उनको वापस लाना पड़ेगा। हम वापस की मांग करेंगे इनसे। क्या है कि जो आप योगी को फिर से योगी यूपी में लाना चाहते हैं? देखो जी, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया, किसान के लिए हर चीज की सुविधा दिलवाई है। अब एक बार किसान को क्या चीज चाहिए? किसान को खाद, डीएपी, पानी, हर चीज की व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी बात, इन लोगों ने जो मतलब एक बात बताओ, जब डंडे भी खाते थे, डीएपी यूरिया मिलता नहीं था, पानी मिलता नहीं था, उससे क्या हुआ? उससे तो बढ़िया से सरकार यही है, ठीक है। तो ये क्या योगी जी पर यूँ विश्वास किया हमने, ये चीज के लिए हम द्वारा कहते हैं अब की बार 300 पार। लेकिन बार बार आरोप लगता है कि योगी मोदी देश बेच के खा गए। कौन कहता है, कौन कहता है? उससे पहले क्या था भैया? उससे पहले तो क्या था, जबकि मारे मारे किसान डोलते थे, को क्या करते थे? कांग्रेस ने क्या किया था? अखिलेश यादव ने क्या किया, क्या किया बताओ? के एक कास्ट के लिए, हर एक कास्ट के लिए मायावती जी की सरकार आई, एक कास्ट के लिए। तो इसमें तो भैया एक बात, बीजेपी वालों ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीता है। ये प्रदर्शन नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तीनों बिल कानून वापस लिए हैं, कि किसान कह रहा था कि जी बिल वापस लो वापस लो, तो मोदी जी ने ये दिखाया है कि हम किसान के साथ हैं। और उसी वजह को लेकर जो विपक्ष रोटियां सेक रहा है, उसके माध्यम से हम ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, माननीय मोदी जी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किसान आपके साथ है। साथ है जी, वाकई में साथ है। तो अगर साथ है इसलिए किसान, तो वो वहाँ पे तीन कृषि कानून वापस होने के बावजूद भी धरना हटाने को तैयार नहीं है राकेश? नहीं, वो देखिए, वो धरना हटाने को तैयार नहीं है, वो उनका अपना सोच है। वो पता नहीं क्या क्या नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, वो तालिबानियों से, विपक्षियों से, तमाम पता नहीं किस किस से वो लोग मिले हुए हैं, वो जो है समाज में अराजकता फैला रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या है? क्या योगी, लेकिन योगी को समर्थन किसानों का मिल पाएगा? हाँ, क्या फिर से योगी आ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब लोगों को पता पड़ जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। जैसे व्यक्ति का क्या इलाज है? पहले कहते हैं कृषि कानून वापस लो हम तब हटाएंगे, अब वापस हो गया तो भी डटे हुए। जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का एक षड्यंत्र चल रहा है। ये किसान आंदोलन नहीं था, ये एक राजनीतिक दलों का षड्यंत्रकारी आंदोलन था, इसी वजह से वो लोग धरने को हटा नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव जिन्ना को नायक बताकर, आजादी का नायक बताकर सत्ता में वापसी कर पाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो पाएगी, यही तो मुद्दा है। ये जो बलगोटियां का काम करते हैं, गोटियां अपनी सेट करते हैं, यही तो हिंदू और जागर किससे होता है। ये धरातल पर इनका जाने का जो काम है वो यही है कि ये जिन्ना को आगे लेकर भारत माता की जय नहीं भूलेंगे, इस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, पस्तर करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, उनके साथ ही ये देते हैं। यही इनकी जो है गलतियां हैं। जी एक और बात है कि एक पाकिस्तान का जनक यानी कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने में जिसने अपनी भूमिका अदा की हो, वो उसकी तुलना पटेल से करना कितना सही है? अरे पटेल जी, सरदार भाई पटेल का उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था, 465 विरासतों को ख़त्म किया उन्होंने, और एक भारत अखंड भारत का नारा देकर। तो ये तो तुलना किसी से किसी की नहीं हो सकती, आप जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा की जो जिम्मेदारियां हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने निभाई हैं, वही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है, सभी जानते हैं। लेकिन हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी चलकर क्या आते हैं? अब वो ओवैसी आएंगे, देखो चाचा जान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका क्या है, चाचा जान है, अब्बा जान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बार बार अखिलेश अपने को दावा करते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं, वाकई में सच्चा हितैषी कौन है? देखिए इन दोनों में से कोई हितैषी नहीं है, केवल जाति के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धर्म में आते ही नहीं है, ये हिंदू धर्म में आते ही नहीं है, न हिंदू धर्म को जानते हैं, मौका परस्त हैं, समय आने पर मस्जिद में टोपी लगा लेते हैं, वैसे अपनी पार्टी की लाल टोपी पहन लेते हैं। तो इन लोगों का कोई धर्म नहीं है, ये तो देश को बर्बाद करने और पाकिस्तान बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। इनसे देश सुरक्षित होने के लिए, किसान योगी जी को दोबारा लाने के लिए पूर्ण बहुमत से तैयार है। अब अखिलेश जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जो है ये जो अयोध्या में मंदिर भव्य मंदिर मजाने को वापस लेंगे, NRCA को वापस लेंगे, इस तरीके के मुद्दे इनको अपने आप ही धराशायी कर देते हैं। और हिंदू बहुत जागरूक है
और किसान भी जागरूक है और हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है, सभी जानती है। देखिए सफाई कह रहे हैं कि हाँ जी, वो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को क्या है। देखिए अकेला रावण है, 1,00,000 पूछ 1,25,000 नाती थे उसके, भगवान राम से बैर बांधा उन्होंने, तो वो उन्हें भी जीत के सपने देखे थे, तो जीत के सपने देखना बुरी बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे और नज़र बदल दो तो नज़ारे बदल जाएंगे। ऐ मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। जी भैया, लेकिन लेकिन एक और बात है, जयंत चौधरी अखिलेश के साथ पहुंच गए। देखिए इन्होंने तो पूर्व में पहले 2014 में गठबंधन किया था, जयंत चौधरी, बुआ बबुआ, ये सारे सभी लोग इकट्ठे हुए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब तो अकेले थे, मुख्यमंत्री जी बाद में आए, तो हमारा देश का जो नायक रामचरितमानस में भी कहा था सुग्रीव जी से, राम जी ने, सुग्रीव ने कहा कि महाराज आप मुझे राजा बनाना चाहते हो, तो मैं तो सन्यासी हूँ और मैं तो सन्यास लेना चाहता था, तो भगवान श्री राम ने कहा था कि सन्यासी से बढ़िया राजा कोई नहीं हो सकता है, तो हमारे देश के मुखिया सन्यासी हैं, उनसे बढ़िया राजा कोई नहीं हो सकता है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और दिन रात कड़ी मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश के आरोप लगा रहे हैं कि योगी मोदी देश बेच के खा गए, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। और देखिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जितने भी हैं, 40 साल उम्र मेरी भी हो गई, मैं भी देख रहा हूँ, 20 साल से जब से स्टूडेंट रहा हूँ, 15 साल से देख रहा हूँ, इतनी बुरी हालत थी कि कहीं भी चले जाइए आप रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन के नाम पर गंदगी, सफाई कहीं नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका दुरुस्तीकरण करने का काम किया है, सबको अमली जामा पहनाने का काम किया है। दिक्कत किन लोगों को हो रही है योगी मोदी से, कौन लोग हैं जिनको दिक्कत? उनको हो रही है जो लोग पैसों के बिस्तर पर सोना चाहते हैं। मेरा बेटा सोते थे, हाँ सोते थे, और वो और सोना चाहते हैं ना, गरीब की रोटियां लेकर उसकी बोटी नोच कर उन पर राज करने हैं, उसमें लाशों में भी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को धक्का रहे, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसे हिंदुस्तान में रहें। ये हमारा बौद्धिक धर्म का पहले से ही हिंदू धर्म में आर्यावर्ते भरतखंडे दीपे भारत है, और उसी भारत में हम सब रहते हैं, सब भाईचारे के साथ रहते हैं।